परिहास में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में होंगी चोखी और अनोखी बातें। ये है चोखी, ये है अनोखी, जिसकी हर बात बेतुकी और अनोखी होती है। अरे आज तो हम पढ़ाई लिखाई साक्षरता की बातें करने जा रहे हैं भाई। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, मेरा ऐसा अजीब परिचय दोगी तो मैं नाराज भी हो सकती हूँ। अरे तुम तो बुरा मान गई। मानती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है, लेकिन जनरल नॉलेज भी तो कोई चीज है। अरे मेरे माँ बाप ने मुझे 5वीं के बाद घर बिठा लिया था और काम पर लगा दिया, लेकिन फिर भी मुझमें तुझसे अच्छी समझ है। बता कौन सी जानकारी चाहिए तुझे, सब बातों की खबर रखती हूँ मैं। हाँ अच्छा, तो फिर एक बात बता। शादी की वर्षगांठ पर पति पत्नी से बोला कि मैं आज वहां जाना चाहता हूँ जहाँ पहले कभी ना गया हूँ। तो बता पत्नी उसे कहाँ ले गई होगी? तौलिए और चम्मच देखकर होटल याद आए होंगे सारे, और लिस्टें देखी होंगी कि कहाँ कहाँ नहीं गए। जी नहीं, पत्नी अपने पति को रसोई घर में ले गई और बोली, ए जी यही वो जगह है जहाँ आप पहली बार आए हो, तो चलो अच्छा सा नाश्ता हो जाए। अनोखी तेरी बात तो बड़ी चोखी है। ए अनोखी एक बात बता, तूने भी तो शादी की सालगिरह मनाई होगी, फिर तुझे क्या तोहफा मिला? मेरी सासू माँ मेरी पड़ोसिन को एक नथनी दिखाते हुए बोली, बहन बड़ा बुरा जमाना आया है, इसीलिए बहू के होठों के लिए ये ताला बनवाया है। अच्छा है, मैं तो इन सब बातों से अभी दूर हूँ। लेकिन चोखी तेरे रिश्ते की बात भी तो कहीं चल रही थी ना? हाँ बात तो चल रही थी, वो लड़का अभी 25 का है और मैंने पूरे 26 पार कर लिए। तो अम्मा ने कहा कि एक साल अभी हम इंतजार कर लेंगे। अरे लेकिन तू तो एक साल बड़ी है ना? हाँ अम्मा कहती है कि लड़की कोई उम्र थोड़ी पड़ती है, एक साल बाद हम दोनों बराबर की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि तेरा भी बैंड बजने वाला है। हाँ 50% बात तो पक्की हो चुकी है, मेरी तरफ से तो हाँ है, लड़के का जवाब आना अभी बाकी है। ओ, तुझे तो हर वक्त मजाक की सोचता है। चोखी कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं पहले की तरह तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात आ गई तो मुश्किल होगी, पर मेरी आंखों में तो अभी से सपने तैर रहे हैं। पर सपने तो सपने होते हैं पगली, चल तुझे दिखाऊं अपनी सुषमा का सपना। अरे बेटी ये क्या, जल्दी जल्दी काम निपटा लो, वो लोग आते ही होंगे। और राजा जल्दी से बहन को कुछ सिखा दो, समझे तुम? अरे क्या सिखा दूं, एक दिन में क्या होगा? तुमसे जितना खाए उतना करो, बहस मत करो, आजकल बहुत बहस करते तुम। चलो सिखाओ और बेटी जल्दी जल्दी काम निपटा लो, समझे तुम? हाँ दिमाग है जो सीखेगी। अच्छा सुन, जब वो पूछे कि व्हाट इज योर नेम तो कहना सुषमा। क्या कहोगी? सुषमा। अरे सुषमा नहीं सुषमा। अच्छा ठीक है आगे बता। ठीक है, अगर वो पूछे व्हाट इज स्कूल नेम तो कहना कन्या विद्यालय। क्या कन्या? अरे बेवकूफ, कन्या तो मैं खुद हूँ। अरे बहरी हो गई हो क्या, कन्या विद्यालय नहीं पता? कन्या विद्यालय का मतलब होता है वो जहाँ लड़कियाँ पढ़ने जाती है। हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम कभी स्कूल गई हो तो पता हो ना। अच्छा खुद तो 3 साल से बैठा हुआ है एक क्लास में और मुझे बोलने को चला है। अच्छा गुस्सा मत कर आगे बता। ज्यादा मत बोला कर समझी ना। हाँ अब सुन, और जब वो पूछे कि व्हाट इज योर एजुकेशन तो कहना 12। अरे लड़की है या बवाल, देख मुझसे नहीं होगी तेरी ये पढ़ाई वाली, समझी? किसी और को बुला ले चल। अच्छा बाबूजी ये मुझे ठीक से बताता नहीं है। क्या हुआ, कुछ कह रहा है ये? बल 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 क्या बोल रहे थे? इससे जितना खाया ना उतना किया कर, बहुत बहस करता है आजकल तू। बाबूजी ये मुझे ठीक से बताता नहीं है, उल्टा मुझे डांटता है। लटंकी सूझी है, है? घर में मेहमान आने वाले हैं और 36 काम है मुझे, समझा? नहीं तो बताता मैं तुझे, चल पढ़ाई से। क्यों राजा बाबू सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? मारू मैं बाबू
बाबूजी बाबूजी चुप चुप चुप। देखो बाबूजी बाबूजी करती रहती है। अरे नौटंकी नहीं तो और क्या है, बढ़िया ही पढ़ने वाली। अरे मरू। आइए आइए भाई साहब, आ जाइए आइए भाई। बैठिए भाई साहब बैठिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाई, आराम से पहुंच गए। अलग बिना आराम से बैठो ना। अंकल मैं आराम से ही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा लड़का बाहर जरूर रहा है लेकिन कायदे कानून बहुत अच्छी तरह जानता है। बहन जी ये सब आप लोगों के ही संस्कार है। हमें बहू भी संस्कारी ही चाहिए। बहन जी सुषमा जैसी सुंदर और सुशील लड़की आस पड़ोस में कहीं नहीं है। और भाई साहब खाना खाना तो क्या खूब बनाती है। भाई हमें ना तो खाना बनवाना है और ना ही सुंदरता से कोई लेना देना है। बस ये है कि आलोक को सुषमा पसंद आ जाए और सुषमा को आलोक। भाई इन दोनों को रहना है, हम बुजुर्ग कब तक रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप ही तो सर्वे सर्वा है भाई। जो आप फैसला लेंगे उसे कौन टाल सकता है। नहीं भाई अब जमाना बदल गया है, बच्चे अपना भला बुरा खूब समझते हैं। लड़की को भी बुलवाइए। अरे बहन जी इतनी जल्दी क्या है, बस तैयार हो रही है बिटिया, आती ही होगी। अरे लीजिए वो तो आ गई। आजा बेटा आजा आजा। शाबाश सुषमा बेटी, यहीं बैठ जाओ बेटा। लीजिए भाई साहब चाय लीजिए। बहन जी बिटिया आ गई है, जो भी पूछना पूछ लीजिए। हाँ हाँ पूछिए, हमारी बेटी में कोई ऐप थोड़े ही है। ओ, थोड़ा चुप रहा करो, बहुत चबड़ चबड़ बोलती हो तुम। तुम चुप रहो, अरे लड़की की मौसी हूँ, कोई गैर नहीं। बेटा तुम कुछ पूछना चाहते हो? जी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मौसी पूछने दीजिए ना, वरना सब भूल जाऊंगी। सुषमा बेटे आराम से बैठो और जो ये पूछे उसका ठीक ठीक जवाब दो है? पूछो बेटा। अरे वैसे ये पूछताछ के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ जितना छानो उतना गंद निकलता है। होना तो ये चाहिए चट मंगनी पट ब्याह। थोड़ा ज्यादा बोलती है, मेरी साली है ना। ओ। हाँ बड़ा साली माना है आपने, कभी जीजा का फर्ज निभाया भी है? जी आपका नाम क्या है? जी सुषमा। सुषमा जी क्या आपको अपने नाम का मतलब मालूम है? बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहें, अब भला ये क्या पूछ रहे हो? अरे पूछना ही है तो ये पूछो, खाना बनाना जानती हो, झाड़ू पोछा जानती हो, चूल्हा चौका संभाल सकती हो कि नहीं? भला ये क्या पूछ रहे हो कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? हमें लगता है हमें सुषमा और आलोक को अकेले छोड़ देना चाहिए। हाय राम कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, न सगाई न ब्याह और कहते हो अकेला छोड़ दो। अरे आपके यहाँ ऐसा ही रिवाज है क्या? अरे नहीं मेरा मतलब था दोनों एक दूसरे को समझ ले, जरा परख ले। मुझे तो शर्म आ रही है। शर्म तो आएगी ही, अरे ससुर होकर कैसी बातें कर रहे हैं। सुषमा आपकी एजुकेशन क्या है? जी ये तो राजा ने बताया ही नहीं। बेटी ये पूछ रहे हैं तुम किस क्लास तक पढ़ी हो? पर बाबूजी मैं पढ़ने कहाँ गई? नहीं नहीं मैंने पढ़ाई की है, मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने ट्यूबवेल पास किया है। अरे क्या भैया नौकरी करवाओगे, खुद अकेले अपने दम पर घर नहीं चला सकते हो? बहन जी जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत मायने रखती है, इन दोनों बच्चों ने अपना जीवन काटना है, ये सवाल पूछने ही पड़ते हैं। जी ठीक कहा आपने, पूछिए जो भी कुछ पूछना हो। क्या बचर बचर कर रहे हो यहाँ, ये नहीं कि बाहर जाके नाक साफ कर रहे? छोटा बेटा है मेरा। पिताजी ये ऐसे ही करता है। ए तू चुप कर, चुपचाप अपना इंटरव्यू दे समझी, वरना जितना सिखाए वो भी भूल जाएगी। आजकल के बच्चे हैं, उम्र होगी तो अपने आप समझ जाएंगे। अब जीजा जी की भी आदत खराब है, अब भला छींक आ रही है तो क्या बंद कर ले? अब अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। हाँ क्यों नहीं, लड़की को भी पूरा हक है अपनी बात रखने का। तुम्हें फिल्में देखने का शौक है? अरे ये हुआ ना सवाल, भला जिंदगी में आनंद ना हो तो कोई बात है? जी फिल्में तो देखता हूँ पर काम में इतना बिजी रहता हूँ कि टाइम नहीं मिलता। अरे तो फिर तुम हमारी सुषमा बिटिया के लिए समय कैसे निकालोगे? तो भाई साहब कैसी लगी हमारी बिटिया? अब ये तो आलोक ही बताएंगे, हम तो पहले कह चुके हैं कि शादी इन्हें करनी है। लेकिन आपकी भी तो कोई मर्जी होगी। भाई शादी हो चाहे ना हो पर हम तो सुषमा को अपनी बेटी मान चुके हैं। अरे बेटी नहीं बहू मानिए।
अच्छा बेटा, हम तुमसे ही पूछते हैं, तुम्हारी क्या मर्जी? देखिए, मैं आप सबकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। सुषमा में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक कमी है इसमें कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, और मुझे एक पढ़े लिखे जीवन साथी की जरूरत है। चले बाबा। बात इसी बात पर आकर क्यों अटक जाती है? भला कब तक जवान बेटी को घर में बिठा कर रखोगे? अरे हमारी बेटी की गलती क्या है? गलती तो हमसे हुई, अगर हम इसे पढ़ाते लिखाते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसको इसके पैरों पे खड़ा करूंगा। जीजा जी, इस उम्र में इसको पढ़ाओगे? इस उम्र में चाहे तो तू भी पढ़ सकती है। मेरे पिताजी के दोस्त हैं, उनकी बेटी का भी यही परोबलम है। अरे ये किस बलम की बात कर रही है तू? मुझे पता है अंग्रेजी में बलम नहीं होता। हाँ तो मैं परोबलम की बात कर रही थी। पिताजी अपने दोस्त के साथ बाजार गए, वहाँ दुकान पर उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा हुआ था यहाँ शादी का सारा सामान मिलता है, घोड़ी, बैंड, दूल्हे के सूट, बाप की पगड़ी वगैरह वगैरह। तो पिताजी बोले पहले दो चार दूल्हे तो दिखा दो। दुकानदार भौचक्का सा रह गया। अरे इसमें भौचक्का होने की क्या बात है भला? अरे ये तो घर घर की समस्या है। समस्या कैसी? और आज तो नारी को इतने अधिकार प्राप्त हैं कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकती है, और समान अधिकार तो कब से मिले हुए हैं। समान अधिकार? अरे ये क्या कह रही है तू? वो अर्थ का अनर्थ करना तो कोई तुझसे सीखे। समान अधिकार नहीं, समान अधिकार। अधिकार की बात अधिकार से करे कोई। तो आइए मिलते हैं मोहतरमा यास्मीन अबरार से, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। महिला सशक्तिकरण जो है, महिलाओं को एम्पावर करना, उनको शक्ति देना। अब शक्ति हम दो ही तरीके से दे सकते हैं, एक तो उनको परिवार के अंदर दे सकते हैं, एक समाज में दे सकते हैं, एक समाज के बाद में हमें उनको देश में दे सकते हैं। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको एजुकेशन दी जाए और उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। जब हमको हम उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उसके बाद में वही ख्यालात जो हैं वो समाज में आएंगे और वही ख्यालात हमारे देश के अंदर बनेंगे। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनको एम्पावर करना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा जो समाज है इंडिया का, वो मेन डोमिनेटेड है कि हमारे यहाँ पर पुरुष प्रधानता होती है, चाहे घर हो चाहे परिवार हो। तो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वो बाधक नहीं बनता है, लेकिन बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं कि आज मियां बीवी दोनों मिलकर के काम करते हैं, लेकिन फिर भी अभी मानसिकता जो है, माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं हुआ है। गांव में भी पुरुष जो है काम ताश पत्ती खेलते रहते हैं, महिलाएं काम करती हैं। एक औरत अपनी पहचान इस माहौल में ऐसे बना सकती है कि उसको हमें सबसे पहले तो जागरूक करना पड़ेगा, उसको अवेयर करना पड़ेगा, और अवेयरनेस बाद में सबसे पहले हमें बच्चों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि बच्चियों को शिक्षित किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, स्कूल भेजा जाए, कॉलेज भेजा जाए। जब एक पढ़ी लिखी महिला बच्ची जो है, स्टूडेंट जो है, अगर एक महिला बनेगी तो वो अपने राइट्स के बारे में जान जाएगी, अपने खुद की पहचान बनाएगी, उसको जाना जाएगा कि इस बच्ची के ये पेरेंट्स हैं, और आगे फिर उसकी शादी भी होती है तो उसकी अपनी एक पहचान बन जाएगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस और एजुकेशन। जो हमारी खुद की कमीशन की ये है, उसमें है कि पहला तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम सकते हैं, उसके लिए हम पब्लिक हेयरिंग सकते हैं, पब्लिक हेयरिंग के साथ साथ लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, चौथा हम सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें बताते हैं जो नए नए कानून हैं जो बनने जा रहे हैं, जो कि पाइपलाइन में, उनको हम बताते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है चलो गांव की ओर, जो कि हमारे ही टाइम के अंदर हुआ है, उसमें ही हमने लॉन्च किया है। एक बुक है हमारी, ये मीरा दीदी से पूछो, इस मीरा दीदी से पूछो में ये अंग्रेजी में भी है
ये हिंदी में भी और जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी हमने इसको लॉन्च किया है। इस किताब के अंदर हमने ये बताया है, इसमें फोटोग्राफ्स के साथ में हमने बताने की कोशिश की है कि महिलाओं को कैसी कैसी परेशानी आती हैं और कैसी कैसी हमने उनको गांव के अंदर मतलब इन फोटोग्राफ्स को देख करके महिला जान सकती है कि उसके क्या राइट्स हैं, कैसे कहाँ जा सकती है, अपने एक्ट के बारे में जानकारी दी है और उसको ये बताया है कि अपने राइट्स को मांगने के लिए उसको क्या करना चाहिए, पहले FIR दर्ज करानी चाहिए। तो इसी के लिए जो हमने बताया कि जैसे पहले वहाँ पुलिस ऑफिसर्स के पास में जैसी देखिए ये महिला गई है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बाद में जा रही है, इस तरह से हमने इसमें फोटोग्राफी करी, हमने इसको शो किया है। तो गांव-गांव में जाकर के ये किताब जो है उनको बताएगी। इसमें हम कैंप्स लगाते हैं, कैंप्स लगाने के बाद इसी तरह से हमने एक CD बनाई है ये, तो CD के जरिए हम फोटोग्राफ दिखा करके हम ये बताएंगे कि आपके क्या राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसके बाद जो तब्दीलियां की गई हैं वो हमने इसमें कोई एक ड्रामे की तरह से शो करके उनको समझाने की कोशिश की गई है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि सब बुक्स में तो सारा लिटरेचर होता है लेकिन वो लिटरेचर आगे नहीं जा पाता है, तो उसको हमने ड्रामे के जरिए बुक्स के जरिए पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। अब जब बच्चियां या महिलाएं जो है एजुकेट हो जाएंगी तो साइड से बात है उनको स्कूलों में नौकरी मिलेगी, आंगनवाड़ी है जो पढ़ी लिखी उनको आंगनवाड़ियों में दिलवाने की कोशिश करते हैं, टीचर्स बनेंगी और आगे पुलिस में भी जाएंगी, हर जगह अपना एम्पावर हो सकती हैं। ये एक्ट जो है ये बताता है कि आपको अपने क्या राइट्स घर के अंदर हैं। पता नहीं घर से निकाल दिया, बेटे ने बहू को निकाल, बेटे ने अपनी माँ को निकाल दिया, सास को निकाल दिया या बहू को निकाल दिया घर से, नहीं अब वो घर में रह सकती है, वो बता सकती है। ये ऐसा शस्त्र है जो कि महिलाओं को उनके अधिकारों को बताता है। जो भी है अत्याचार है या प्रताड़ित किया जाता है या उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सब कमीशन टेकअप करता है। हमारा जो कमीशन में काम करने का हमारा अपना तरीका है कि पहले कमीशन के अंदर कंप्लेन को दर्ज करानी पड़ती है, आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखिए या आप आयोग में आकर के कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं, या साथ ही साथ आप ईमेल के जरिए या इंटरनेट पर जाकर के आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं, और कराने के बाद में जब हमारे पास कंप्लेन आती है तो हम उसको दर्ज करने के बाद में उसकी सुनवाई करते हैं कि उसकी केस की कितनी ग्रेविटी है। अगर वो कोर्ट में नहीं गया है तो फिर हम सम्मन भेज के बुलाते हैं, दोनों पार्टीज को बुलाने के बाद में कोशिश करते हैं कंप्रोमाइज करने की, अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद में देन अगला स्टेज शुरू जाती है। और अगर मान लो कहीं किसी ने FIR दर्ज कराई है और उसकी FIR दर्ज नहीं हुई है तो हम पुलिस प्रशासन को बाउंड करते हैं कि आपने इसकी FIR दर्ज क्यों नहीं करी। मेरी जड़ बुद्धि में ये बात तो घर कर गई कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, लेकिन ये तो बता कि दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है, गधे पर क्यों नहीं बैठता। अगर तुझे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो पूरी तरह ऐसा ही सोचता हो तो मुझे बता देना, मैं सारे प्रबंध कर दूंगी। फिर तू सोचती है ना कि तुझे वरमाला किसके गले में डालनी है, तो तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अच्छा बता तुझे कैसा लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा हो, सुंदर हो, गोरा हो, लंबा, बहुत पैसा हो जिसके पास, ऊंचे खानदान का हो। वाह वाह वाह, इतने सारे लड़के स्वयंवर रचाना है क्या? और अगर किसी एक लड़के में इतने सारे गुण मिल भी गए तो क्या तुझसे शादी करेगा? शादी तो 7 जन्मों का बंधन है, फिर 7 गुण तो मिलने ही चाहिए ना। गुण मिलाए तो फिर तो जेब कतरा, उसकी शादी जेब कतरी से ही होगी। अरे वाह, फिर तो उनकी जो औलाद होगी वो सारे गुण पेट से ही सीख कर पैदा होगी। जब एक जेब कतरे के बेटा पैदा हुआ तो बच्चे की मुट्ठी कस के बंद थी, बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसकी मुट्ठी खुलवाई गई तो उसमें सोने की चेन निकली। जिस नर्स ने उस बच्चे को इस दुनिया में आने का मौका दिया उसने उसकी चेन पे ही हाथ साफ कर दिया। हाँ, अगर पढ़े लिखे संस्कारी माँ बाप की औलाद होता तो ऐसा क्यों करता। ए अनोखी, मुझे तो अभी से चिंता हो रही है। अरे इसमें चिंता की क्या बात है, अभी अभी हमारी मेहमान ने बताया ना कि महिला को शिक्षित और सशक्त बनाना कितना जरूरी है। एक महिला पढ़ेगी तो अगली पीढ़ी सुधरेगी। और अज्ञानता और अशिक्षा समाज में कुरीतियों की जड़ है, तो आइए देखते हैं इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बढ़ते कदम। आप लोग
लोगों को कई बार ये लगता है कि भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम किसके पास जाएं। कई बार आप पंचायत प्रधान के पास जाते हैं किसी समस्या के बारे में बताने को, लेकिन आपको लगता है कि वो सिर्फ वहीं पे दबकर रह गई, आपकी वो जो पहुंच है वो उस विभाग तक नहीं गई है जहां तक जानी चाहिए थी। तो इनकी इस जो समता संदेश जो हमें वाली पत्रिका है आपकी, जो यहाँ पे हर एक वर्कर के पास है, गांव-गांव में दी जा रही है, आप लोगों को बोला है कि जो आपके VLCC की बैठकें हैं वहां भी आपने ये पढ़कर सुनानी है, ताकि लोगों को ये पता लगे कि इसका क्या मतलब है, ये आपका अपना एक अखबार है। अब आप लोग हमारे बताएं कि आप लोग इसमें और क्या सुधार चाहते हैं। हमें अन्य विभागों से भी, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, मतलब इसके बारे में भी कुछ इस पत्रिका में नया से नया आया। इस पत्रिका के माध्यम से महिलाएं ये भी जानना चाहती है कि जो घरेलू हिंसा के बारे में नया कानून बना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी उन्हें मिले। इस पत्रिका के माध्यम से महिलाओं को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि बालिका समृद्धि योजना क्या है और महिलाओं के अधिकार के बारे में जो भी कानून बने उसके बारे में जानकारी चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जो एक्ट है हमें उसकी भी जानकारी चाहिए इस पुस्तिका के माध्यम से। साक्षरता से उन्हें दुनिया को देखने और परखने का एक नया नजरिया मिला है और आत्म सम्मान के साथ अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जुबान भी मिल गई है। अब वो बाहर की खुली हवा में सांस लेकर कुरीतियों का विरोध करने लगी हैं। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को शिक्षा एवं साक्षरता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महिला शिक्षा को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। साक्षर व्यक्ति अपना स्वयं का, परिवार का, समाज का एवं देश के विकास और प्रगति का मार्ग तय करता है। महिला शिक्षा विशेष रूप से इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, एक महिला सशक्त हो तो पूरा परिवार सशक्त होता है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र सशक्त परिवारों से ही बनता है। इसलिए उचित विकास तथा स्थायित्व के लिए महिला शिक्षा प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य में सतत शिक्षा कार्यक्रमों के चलते पढ़े लिखे, उत्साह एवं आत्मविश्वास से भरे नव साक्षरों को देखा जा सकता है। साक्षरता के प्रसार के कारण आज ऐसी स्त्रियां जिनके लिए कभी घर से बाहर पांव रखना भी उनके सामाजिक रीति रिवाजों के अनुकूल नहीं माना जाता था, अब विभिन्न अवसरों पर पुरुषों के साथ बैठकर अपनी सफलता की कहानियां बताती हैं, समस्याओं पर चर्चा करती हैं, सुझाव देती नजर आती हैं। लड़की की उनको पता चल रही है अल्ट्रासाउंड में कि भाई लड़की है और उसको जीने तक का हक वो नहीं देते हैं, उसको पहले ही खत्म कर देते हैं, तो बात की तो बात कही नहीं जा सकती। औरत को ही आगे आना पड़ेगा कि कैसे वो अपने बेटी को आगे बढ़ाती है, बेटे और बेटी में फर्क नहीं करती है, दोनों को एक ही स्कूल में एजुकेशन दे रही है। हमें पूरे इंडिया में अपना इस लेवल को बढ़ाना है कि वहाँ पे हर जगह मतलब औरत को, लड़की को अपना उसके बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं पर जब तक हमारे पेरेंट्स भी खुद एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेटेड करेंगे। घर में जैसे लड़की पैदा हुई उसके माँ बाप उसको अच्छे तरीके से पालेंगे पोसेंगे, लड़के में और उसमें भेदभाव नहीं करेंगे उसके रिश्तेदार, लेकिन वही लड़की की जब शादी होती है वो पराए घर में जाती है, तो लड़की आजकल पढ़ी लिखी भी है, सर्विस भी करती है, घर में अपने बच्चों की देखभाल भी करती है और वो इतने काम करती है कि मर्द भी नहीं कर सकता और फिर भी उसकी इज्जत नहीं है। यदि इन महिलाओं को समाज में बराबरी का सम्मान प्राप्त करना है तो उन्हें पहले स्वयं अपना सम्मान करना होगा, अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। ये साक्षरता के शस्त्र से ही संभव हो सकता है। जब महिला शिक्षित होगी तब वो अधिकारों के प्रति सचेत होकर अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वाह कर सकेगी, उनके प्रति परिवार एवं समाज का सहयोगात्मक रुख होगा, सामाजिक विचारधारा में बदलाव आएगा,
स्त्री को परिवार के विकास की धुरी माना गया है। समय की मांग है कि वो साक्षर हो, समर्थ हो और तभी होगी एक सशक्त महिला। अरे वाह, महिलाओं के अधिकार बढ़ते रहे और महिलाएं दिनों दिन सशक्त हों। तुझे पता है मेरी सासू माँ ने भी अब हर रोज प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाना शुरू कर दिया है। अरे वाह, अभी कल ही किसी से कह रही थी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ूंगी लिखूंगी, अब और अंधेरे में ना रहूंगी, बेटे को रोज चिट्ठी लिखूंगी, बहू की चिट्ठियां खोल के पढ़ूंगी। कम से कम एक लक्ष्य तो है उनके सामने। हाँ भाई, समय की मांग है, अब तो तू भी सुधर जा। तेरी भी समय की मांग का क्या मतलब होता है? एक कन्या की शादी में पंडित जी दूल्हे से बोले, बस अब जब भी ये कन्या सिर उठाएगी बस तुझे इसकी मांग ही नजर आएगी। वाह 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 वाह, अनोखी, मेरी बात तो मांग पर ही आकर अटक जाती है, कभी दहेज की मांग, कभी नकदी की मांग। ए, ये दहेज मांगना अपराध होता है ना? हाँ, एक व्यक्ति ने बड़े शान से कार की मांग की, फिर दबे स्वर में बोला, अगर रहने की जगह यानी कि आवास का प्रबंध भी हो जाता तो? लड़की के पिता ने कहा, ठीक है, आप लिख के दे दीजिए, इंतजाम करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ना। अरे फिर तो उसे दोनों चीजें देनी पड़ी होंगी। हाँ, उसे दोनों चीजें साथ साथ मिली, कार और आवास, यानी कि कार आवास। अरे आज तो हमें समय का पता ही नहीं चला। चल चले, अलविदा। अरे अलविदा कैसे, तू भी विदा ले और मैं भी जाती हूँ, तो अगली बार मिलेंगे एक साक्षर और सशक्त चौकी के साथ। नमस्कार।